Good morning everyone and welcome back to my channel. और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अगर आपको टाइम दिख रहा होगा तो देखो, तो अभी 5:30 बजने वाले हैं, बजने वाले नहीं है, अभी तो 5:35 हो चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। तो आज है, मेरे हस्बैंड को शूट पे जाना है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं शूट पे अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स और सारी चीज़ें क्या क्या देती हूँ और कैसे उनको शूट पे भेजती हूँ। तो आज रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट क्योंकि इतनी जल्दी मुझे सब कुछ रेडी करना है, बट क्या दूँगी और कैसे दूँगी, क्या क्या करूँगी अभी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ और आज मुझे एग करी बनाना है और पोटैटो डालकर। तो मैं एग और पोटैटो को साथ में बॉईल करने के लिए रख दूँगी और एक तरफ मैं राइस चढ़ा लूँगी। तो मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दिया और एक तरफ मेरे एग और पोटैटो बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं अनियन वगैरह चॉप करके रख लूँगी, ताकि मुझे जैसे ही एक राइस बनकर गैस खाली होगा तो मैं एक तरफ मसाले तैयार कर लूँगी। तो मैंने अनियन चॉप कर दिया है और आपको मैं ये लंच बॉक्स दिखा रही हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स है। इसमें मैं खाना रख देती हूँ और वो कहीं भी प्लग लगाकर खाने को गर्म कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये मिल्टन का है, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे लिए हुए और ये काफ़ी अच्छा निकला। तो अब मेरे हस्बैंड सोकर उठ चुके हैं और इनको मैंने दिया है वार्म वाटर, क्योंकि ये उठने के बाद 2 ग्लास वार्म वाटर ज़रूर लेते हैं। और अब राइस बनकर तैयार हो चुका है, तो मैं एक तरफ मसाले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पोटैटो को अभी भी बॉइल्ड होने में काफ़ी टाइम है, तो एक तरफ मैं मसाले पहले से तैयार कर लूँगी।
तो ग्रेवी के लिए अब मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। इसमें मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल रही हूँ, जो कि नॉर्मली मैं ग्रेवी के लिए जो भी मैं प्याज़ और टमाटर के मसाले तैयार करती हूँ उसमें ऐसे ही स्पाइसेस मैं डालती हूँ, आपने देखा होगा। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं, तो इसमें मैं बॉयल्ड एग पहले डाल दे रही हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई कर लूँ, और उसके बाद मैं इसमें एग डालकर ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो अब मैंने लंच बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है, सब कुछ बन चुके हैं, चपाती वगैरह भी बन चुकी है, तो मैं लंच बॉक्स पैक करके हटा लूँगी। अगर बीच में फिर से अगर हल्की फुल्की भूख लग जाए उसके लिए मैं भुने चने और डाइट बिस्किट दे रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड नहाकर तैयार हो चुके हैं, तो अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले उनको मैं बनाना स्मूदी दूंगी बनाकर, जो कि बनकर तैयार है। वो ये पीकर जाएंगे और ब्रेकफास्ट आई थिंक कैरी करके जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी उनको भूख नहीं लगी है। तो अब मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट, जो कि मैं पैक कर कर दे दूँगी और उनको जब भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, ये मैंने ग्रीन टी दिया है, अगर उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए वो ग्रीन टी ले लेते हैं। और ये है सैलेड का एक डब्बा, और कि आपको मैंने बताया था मंच के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी रखी हैं, और ये लंच बॉक्स है, और ये स्मूदी है जो कि वो अभी वो पी कर ही जाएंगे, और साथ में ही है अब ये ब्रेकफास्ट जिसे मैं फॉइल में पैक कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ही ये शायद ड्राइविंग करते हुए खा लेंगे या फिर जाकर शूट पे खा लेंगे। तो ये शूट के लिए टोटल इतने डब्बे मैंने तैयार किया हुआ है, और अब मेरे हस्बैंड शूट पे जा रहे हैं, और जीविका भी हमारे साथ सोकर उठ चुकी है। तो अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ, और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आज तो मैं सोचूँ 5:30 उठी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 6 बजे का शिफ्ट है तो मुझे 3:30 या 4 o'clock उठना होता है, और इतना ही सब कुछ करना होता है। क्योंकि मैं जब से अपने हस्बैंड की लाइफ में आई हूँ तब से मुझे याद है कि मैंने कभी भी शूट पे बाहर का खाना नहीं खाने दिया, और जब मेरी सोचो नई नई शादी हुई थी तब की भी बात, जब मुझे इतना कुछ नहीं आता था। अब तो 7 ईयर्स होने वाले हैं हमारी शादी को, तो तब भी मैं सब कुछ करके देती थी। बहुत लोग हैं जो सेट पे ही खाना खा लेते हैं शूट पे, बट मैंने कभी आज तक नहीं किया। तो ये थोड़ा सा हार्डवर्क होता है, बट क्या होता है कि अगर आपको अपनी फैमिली को हेल्दी रखना है और फिर ये वो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, कुछ नहीं मालूम शूट से आने में। और कभी एक चीज़ फाइनल होता है कि अगर ये मालूम है उनको कि रात तक का शिफ्ट है तो मैं डिनर तक बना के देती हूँ। तो आज तो ये मालूम है कि मतलब आज की जो शिफ्ट है 8 to 8, तो उस हिसाब से अगर 8 to 8 है तो भी पैकअप होते होते 10 o'clock, फिर भी वो 11:30 तक घर अगर आ भी गए तो डिनर घर पे कर लेंगे।
मुश्किल। अब मुझे नींद भी आ रही है, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि मैंने चाय नहीं पी है, और जब तक मैं चाय ना पी लूँ ना, तो मुझे लगता है मैं चाय बीच में छोड़ देती हूँ फिर पकड़ लेती हूँ। और जीविका मेरे साथ 6 o'clock उठी हुई है। जीविका आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों उठे साथ में? इसको मैं बोल रही हूँ, इसके डैड बोल रहे हैं आप सो जाओ आप सो जाओ। नहीं, इसको सोना ही नहीं, नींद नहीं आ रही। आपको नींद नहीं आ रही है? आप जब स्कूल में सोगे फिर ना स्कूल में नींद आ जाएगी ना बेटे का। नू 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 नू, ये सबसे शैतान बच्चा है। ये जब छोटी थी ना, जब थोड़ा सा 7 या 8 महीने की होगी, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। जब भी मैं शूट पे जाते थे और मुझे खाना बनाना हो, तभी रो जाती थी। इसका रोना गाना सब चालू हो जाता था। मम्मा 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 बच्चा। मम्मा तो आज की इस ब्लॉग को मैं ही एंड करूँगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अगर इस ब्लॉग को मैंने खींच लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बस आज मुझे इस ब्लॉग में यही दिखाना था कि मैं शूट के लिए कैसे लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करते हैं वो साथ में, मैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देती हूँ जिससे कि उनको परेशानी ना हो और बाहर की कोई चीज़ ना लेनी पड़े। हाँ, सिर्फ पानी वो बाहर से ले लेते हैं शूट पे, क्योंकि मिनरल वाटर वहाँ पे मिलता है तो ठीक है, इसलिए। नहीं तो अगर कभी पता रहता है, वैसे मोस्टली तो शूट पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं इन लोगों को और जितने भी एक्टर्स होते हैं, बट घर की चीज़ों से अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है, तो इसलिए घर की चीज़ें देती हूँ। और एक इंडियन हाउस वाइफ इतना हार्डवर्क तो करती है और करना ही चाहिए, और आप लोग भी करते होंगे जब आपके हस्बैंड जॉब पे जाते होंगे, तो मैंने किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं मम्मी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कुछ नया लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।